हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अभी टेक चैनल, मेरा नाम है आकिपे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत की सबसे पुरानी कंपनी सिप्ला के बारे में। आखिर ये कंपनी शुरू कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, इसके मालिक कौन हैं, और इसकी जो भी ज़रूरी जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी आने वाली नई वीडियो आपकी कातिल नज़रों से ना बच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर आप दवाइयों की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपने सिप्ला का नाम जरूर सुना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि दवाओं के बहुत से पत्तों पर सिप्ला लिखा होता है। ऐसे लोग जो दवाओं की जानकारी नहीं रखते वो सिप्ला को एक दवा के रूप में ही जानते हैं। आपको बता दें, सिप्ला किसी दवा का नाम नहीं बल्कि यह एक पूरी कंपनी का नाम है। सिप्ला भारत की सबसे पुरानी दवा बनाने वाली कंपनी है, जिसकी खोज डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने साल 1935 में की थी। डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद का जन्म 31 अक्टूबर 1898 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1935 में एक दवा बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की, जिसे केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मा लेबोरेटरी यानी कि सिप्ला नाम दिया गया। इस कंपनी की शुरुआत 2 लाख रुपए की रकम के साथ हुई और आज इसका सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में अच्छी और बड़ी विदेशी MNC कंपनियों को टक्कर देते हुए बेहतर और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई थीं। इसी दौरान कंपनी ने 2 महत्वपूर्ण खोज और की। पहला, उन्होंने सिंथेसिस ऑफ कोरामाइन का विकल्प ढूंढ निकाला, जिसका प्रयोग हार्ट ब्रीथ सिमुलेटर के तौर पर किया जाता है। दूसरा, सर्पेनेड का, जो राव वोल्फिया सर्पेंटीना नामक वनस्पति का मूल तत्व है। यह एलोपैथी इलाज में पहला हर्बल उपाय था जिसको हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ख्वाजा अब्दुल हमीद उस दौरान महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए। उनके बड़े बेटे यूसुफ हमीद अब सिप्ला के अध्यक्ष हैं। ख्वाजा हमीद ने एक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना करने और इसे सच बनाने के विचार पर विचार करने के अलावा प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए एक स्टूडेंट बॉडी के रूप में साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसलिंग की स्थापना की। अपने जीवन के अंतिम 4 दशकों के दौरान उन्होंने इस कंपनी सिप्ला की स्थापना के माध्यम से भारत में फार्मास्यूटिकल और रासायनिक उद्योग के मानकों को असाधारण हाई लेवल तक बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ख्वाजा हमीद के बेटे यूसुफ हमीद ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अफसर इंचार्ज के तौर पर कंपनी ज्वाइन की। यूसुफ हमीद ने अपना ज़्यादातर समय एड्स, क्षय रोग और श्वसन रोग की दवा बनाने में लगाया है। ऐसा माना जाता था कि यूसुफ हमीद ने कंपनी में 1,500 रुपये पर काम शुरू किया था और उन्हें पहली सैलरी 1 साल बाद मिली थी। उन्होंने भारतीय पेटेंट कानून में बदलाव करने की शुरुआत की और इसके अंतर्गत उन्होंने 1961 में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का गठन किया। 1972 में यह प्रयास सफल हुआ और भारतीय फार्मा उद्योग को कानूनी रूप से यह आज़ादी मिल गई कि वह देश में वो दवाएं बनाएगी और बेचेगी जिसकी देश में आवश्यकता है। यूसुफ हमीद की अगुवाई में ही सिप्ला को ह्यूमैनिटेरियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से भी जाना गया था। यह कंपनी दुनिया के करीब 170 देशों में अपनी दवा बेचती है। सिप्ला अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली कंपनी है जिसने CFC फ्री इन्हेलर शुरू किए। इसने एक ऐसी तकनीक शुरू की जिसमें बिना हाथ लगाए, बिना दर्द के और बिना किसी हानिकारक लेज़र के इस्तेमाल किए बिना भी हमारे सीने की जांच की जा सके, जिससे सीने के कैंसर का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक करो हमारी वीडियो को। अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए और नई वीडियो के लिए सजेस्ट कीजिए।
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी दबा लो ताकि कोई भी नई वीडियो आपकी कातिलाना नज़रों से ना बच पाए। तो चलिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए सायोनारा एंड बाय।